हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फुल्ली पैनल डोर किस तरह से बनता है इसकी ड्राइंग बताएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं फुल्ली पैनल डोर पैनल। ठीक है, फुल्ली पैनल डोर की ड्राइंग किस तरह से बनती है ये बताएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको फुल्ली ग्लास डोर, ठीक है, जिसमें ग्लास शीशे लगे हुए होते हैं वो किस तरह से बनता है उसकी भी ड्राइंग बता दी। आपने वह वीडियो नहीं देखी तो इससे अगली वीडियो में, तो इससे पिछली वीडियो है वो देखिए। ठीक है, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा जो डोर का साइज होता है 1.20 × 2.10 मीटर होता है। ठीक है, स्केल अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 120 × 210 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके लिए हम एक स्केल मान लेते हैं 1110 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब देखिए ये इसकी चौड़ाई होती है 120 और 210 इसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो 120 को जब स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है देखिए। आपको एक 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से डार्क पेन से, जिस तरह से मैंने कर लिया। ठीक है, और उसकी जो लंबाई लेनी है वो कितनी है, 210 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से ऊपर की ओर 21 सेंटीमीटर, ये कितना हो चुका है 15, 15 और 6 21। ठीक है, इस तरह से, इसी प्रकार यहां से भी ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये यहां से यहां तक 15 और 6 21 सेंटीमीटर हो चुका है हमारा। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, अब हम लगाते हैं इसमें होरन। होरन का जो साइज होता है वो 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में होता है, तो हम इसमें 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। 10 सेंटीमीटर यानी कि स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको, तो आपको इधर लेफ्ट साइड की ओर 10 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, और इधर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन ड्रॉ कर ली है। इधर मैंने 10 सेंटीमीटर बाहर निकाला, इधर मैंने 10 सेंटीमीटर बाहर निकाला। अब इसकी जो थिकनेस होती है होरन की वो 8 सेंटीमीटर थिक होता है। 8 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ऊपर से नीचे की ओर 0.8 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार इधर से भी नीचे की ओर कितना, 0.8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इनको आपस में मिला देना है इस तरह से। ठीक है, आपको केवल ये यहां से यहां तक मिलाना है और यहां से यहां तक, ये जो एक्स्ट्रा लाइन होगी ये इसको इरेजर कर देते हैं हम। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना आ गया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले ऊपर की ओर 210 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, हमने फिर 10 सेंटीमीटर बाहर निकाला, 10 सेंटीमीटर इधर से बाहर निकाला, और उसकी जो थिकनेस होती है वो 8 सेंटीमीटर होती है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन थी वो इरेजर कर ली, और यहाँ से यहाँ तक भी, और नीचे की ओर 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करी और इनको इस लाइन से मिला दिया है। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब हम लगाते हैं इसमें पोस्ट। पोस्ट का जो साइज होता है 8 × 10 सेंटीमीटर होता है। 8 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 सेंटीमीटर, यानी कि आपको इधर से पॉइंट, यानी कि आपको इधर से 0.8 सेंटीमीटर ले लेना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ करिए यहाँ तक, इस लाइन के बराबर तक। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और इनको आपस में मिला दीजिए। ठीक है, इतना, ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक की जो ये लाइन है इसका सेंटर पॉइंट पकड़ लेना है, सेंटर पॉइंट ले लेना है और इससे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह प्रकार। ठीक है, अभी सेंटर लाइन के 10 mm लेफ्ट और 10 mm राइट पर भी इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है।
ठीक है, अब इधर भी। ठीक है, और जो ये बराबर वाली लाइन है इनसे भी आपको 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर दे देनी है ऐसे। ठीक है, और ऐसे इधर से भी। ठीक है, अब देखिए अब हम लगाते हैं इसमें रीबैक। रीबैक का जो साइज होता है 1.5 सेंटीमीटर होता है। 1.5 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि लगभग 1.5 mm के करीब आ जाएगा। आपको इसमें लगाना है रीबैक। ठीक है, रीबैक कैसे लगता है, जो हमने पोस्ट बनाया था पोस्ट के बराबर बराबर लगता है, यानी कि हमने ये पोस्ट बनाया था। ठीक है, ये आपको याद होगा। इधर से कितना लेना है आपको, लगभग 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें आपको ऐसे डॉटेड लाइन कर देनी है। ठीक है, ऐसे ही आपको ऊपर की ओर करती करनी है। ठीक है, इसी तरह से इधर जो पोस्ट बनाया था उसके भी यहाँ ऐसे ही कर देते हैं, रीबैक की लाइन शो कर देते हैं। ठीक है, ये आपको मेरे साथ बनाते चलना है। आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, ये आपको बनाना आ जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, ऐसे ही आपको इधर कर लेनी है। ठीक है, ऐसे ही आपको ऊपर कर लेनी है 0.15 सेंटीमीटर की थिकनेस पर। ठीक है, इस प्रकार हमने ऊपर भी इसमें सो कर ली है। अब देखिए अब हम बनाते हैं इसमें टॉप रेल और बॉटम रेल। टॉप रेल क्या होती है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर 10 सेंटीमीटर की थिकनेस पर। 10 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको ये कितना लेना है 1 सेंटीमीटर की थिकनेस पर, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा, आपको ये यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है अंदर अंदर इस तरह से। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसमें बॉटम रेल। बॉटम रेल नीचे से कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर कितना 20 सेंटीमीटर थिकनेस पर, यानी कि नीचे से ले लो 20 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। स्केल में बात करेंगे तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बनाने के बाद हम बनाते हैं बॉटम लोक रेल। जो लोक रेल होती है वो नीचे बॉटम से ऊपर 1 मीटर की दूरी पर होती है। 1 मीटर को जब स्केल में 1 मीटर में कितने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, और इसको स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आपको नीचे से ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे पॉइंट मार्क कर लेना, और इस पॉइंट से 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सीधा यहाँ से 20 सेंटीमीटर की थिकनेस पर आ जाएगा। हमने ये कैसे बनाया, देखिए हमने नीचे बॉटम से 1 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट मार्क किया, और इस पॉइंट से 10 mm ऊपर 2 mm नीचे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब देखिए अब हम बना रहे हैं फुल्ली पैनल डोर। अब फुल्ली पैनल डोर में क्या होता है, आप यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाइन है इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए, ये आ जाएगा लगभग 4 सेंटीमीटर पर। अब 4 सेंटीमीटर से 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, फिर इसी पॉइंट से 5 mm ऊपर ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसमें पैनल डोर में करना क्या होता है, इसमें आपको सबसे पहले जो ये पहले वाला बॉक्स है इसमें आपको 2-2 mm कितना 2-2 mm छोड़कर इसके अंदर एक बॉक्स बना देना है स्क्वायर टाइप का ही। ठीक है, कैसे, आपको इधर से 2 mm ले लेना है, और यहाँ से ऊपर की ओर भी 2 mm ले लेना है, और यहाँ से यूँ ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, और इधर भी ऐसे ही।
ठीक है, इधर से आपको कितना लेना है 2 mm, और ऊपर से आपको कितना छोड़ना है 2 mm, और इनको आपस में मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, इतना करने के बाद इसके अंदर अब आपको जैसे आपने ये 2-2 mm की गैप पर ये बॉक्स बनाए, अब इसी के अंदर आपको 5-5 mm के गैप पर भी ऐसे ही बॉक्स बना देना है। कितने एम एम के? 5-5 mm के। देखिए कैसे, इधर से 5 mm, इधर से 5 mm ऊपर, ठीक है, ये 5 mm, ये 5 mm हो जाएगा यहाँ, और यहाँ से ये 5 mm, और इनको आपस में मिला दो इस तरह से। ठीक है, अब जैसे हमने इसके अंदर ये बॉक्स बनाए ऐसे ही इसके अंदर बनाते हैं, ऐसे ही इसके अंदर, ऐसे ही इसके अंदर, और ऐसे ही इन दोनों के अंदर भी बनाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, जिस तरह से हमने इसमें ये ड्राइंग बनाई थी इसी प्रकार हमने इन सभी बॉक्स में ये बना दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको अपनी स्केल लेनी है। स्केल लेने के बाद आपको ऐसे जो ये कोने कोने हैं इनको आपस में ज्वाइन करा देना है इस तरह से, ऐसे और यूँ ऐसे। ठीक है, आपको इसके लिए स्केल ले लेनी है, ये वाली, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको ये सभी जो कोने हैं एक दूसरे कोनों को आपस में ज्वाइन करा देना जिस तरह से मैंने इसमें करा है। ठीक है, अब मैं इसी तरह से इन सभी बॉक्स में सब करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसी तरह से हमने सभी में कोने आपस में मिला दिए। अब देखिए, अब जब हम रीबैक शो करते हैं तो जो हमारी ये सेंटर लाइन है इसमें भी रीबैक शो होगा। ठीक है, इसमें भी हम रीबैक शो करते हैं। रीबैक की जो साइज है वो ये होता है 1.5 सेंटीमीटर, स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको जिस तरह से डॉटेड लाइन करी थी, ठीक इसी प्रकार जो ये सेंटर वाली लाइन है ये वाली, इसको भी आपको ऐसे ही डॉटेड लाइन से बराबर बराबर से करते चलना है। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से बनाते चलिए और इसको ऊपर तक ज्वाइन करा देना है यू ऐसे। ठीक है, अब ये पैनल डोर का पूरी तरह से एलिवेशन बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, बस अब हम इसमें यहाँ पर एक जो लॉक लगती है यानी कि जिसको डंडाला बोलते हैं वो लगा देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे और ऐसे। ठीक है, और इसको ऐसे बंद कर देना है। ये आपको फ्री हैंड भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो मैं यहाँ पर स्केल ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने इसमें कुछ लॉक के टाइप का लगा दिया है। ठीक है, अब बस ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बनाते हैं इसका, जब हम इस गेट को यहाँ सेक्शन से काट देंगे तो ये किस तरह से दिखेगा। ठीक है, यानी कि हम इसका सेक्शनल साइड व्यू बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। ठीक है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सपोज करिए हमने यहाँ से और यहाँ से इस गेट को इस काट दिया है, और जब हम इसको इधर से देखेंगे तो ये किस तरह से दिखेगा उसकी ड्राइंग बनाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो हमने हॉर्न बनाया था इसका प्रोजेक्शन यहाँ ले आना है, और जो इसका बॉटम है इसका प्रोजेक्शन इधर ले आना है। इस तरह से ये इसका प्रोजेक्शन ये आ चुका है और इसका प्रोजेक्शन सी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे।
अब आपको ये प्रोजेक्शन एक लाइन से इस तरह से मिला देना है ऐसे, ठीक है। ये मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए हम जब गेट बना रहे थे या अपना पैनल डोर बना रहे थे तो उसमें हमने एक पोस्ट लगाया था, पोस्ट जिसका साइज 8 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर हमने यहाँ से यहाँ तक लिया, ठीक है। अब बाकी का कितना रह गया, 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर हमें यहाँ दिखेगा सेक्शनल काटने पर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि आपको जो ये लाइन खींचिए इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे यूं एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, इस तरह से, और इसको आपस में मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमने क्या लगाया था, इसके बाद हमने लगाया था इसमें रीबैक, ठीक है। क्या लगाया था, रीबैक। रीबैक का जो साइज होता है 1.5 × 4 सेंटीमीटर होता है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि आपको जो ये लाइन है यहाँ पर नीचे वाली इसको इधर लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर 4 mm यानी कि 0.4 सेंटीमीटर दूरी नाप लेनी है और इससे एक ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ तक, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ से यहाँ तक के 4 सेंटीमीटर ली, यानी कि स्केल में बात करेंगे तो 0.4 सेंटीमीटर ली और इससे यहाँ तक एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस लाइन को इधर मिला देना है जो ये वाली पोस्ट वाली लाइन है इसके बिल्कुल ठीक सामने ऐसे, यानी कि जो ये लाइन है पोस्ट वाली इसका प्रोजेक्शन ये है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब जो आपने रीबैक लगाया था रीबैक का भी प्रोजेक्शन इधर ले आना है आपको। मान लीजिए ये रीबैक का प्रोजेक्शन आ गया इधर, तो इधर से इधर एक लाइन ड्रॉ करिए ऐसे इतनी और इसको आपस में यूं मिला दीजिए इसको ऐसे, ठीक है। अब जो आपने पैनल बनाए हैं इन पैनल का भी प्रोजेक्शन इसमें दिखाना है, इसके लिए क्या करना होगा आपको, सारे के सारे प्रोजेक्शन इधर ले आने हैं। देखिए कैसे, इस तरह से जो ये वाली लाइन है इसका प्रोजेक्शन नीचे ले आना है, ठीक है, यहाँ ले आना है यहाँ पर ऐसे, और जो ये 2 सेंटीमीटर की थिक पर है यानी कि 2 mm की वो भी ले आनी है ऐसे, ठीक है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ ये आ गई और ये आ गई, इसी तरह से यहाँ पर ये आ गई, ठीक, यहाँ एक ये आ गई प्रोजेक्शन और एक प्रोजेक्शन ये आ गई, ठीक है, ठीक। इसी प्रकार ये एक प्रोजेक्शन ये और एक प्रोजेक्शन ये, ठीक है। इसी प्रकार इनका भी। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये क्या है हमारा रीबैक, सॉरी हॉर्न जो कि लकड़ी का होता है, तो यहाँ पर हम यानी कि वुड का होता है तो हम यहाँ पर वुड का सिंबल शो कर देंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का ये जो हिस्सा है ये भी लकड़ी का है तो यहाँ पर भी हम वुडन का सिंबल शो कर देंगे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक का ये भी ये वुडन हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये भी वुडन हो चुका है, इसमें भी हम वुडन का सिंबल शो कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ये नीचे तक ये भी ऐसे आप वुडन का सिंबल शो कर दीजिएगा, ठीक है। और जो ये यहाँ से यहाँ तक का 2 mm का गैप है इसमें आप कुछ इस तरह से करिए, ये आपको फ्री हैंड ही करना है, ठीक है, इस तरह से मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करिए आपकी, ठीक है, सब जगह ऐसे ही करना है आपको ये, ठीक है।
ठीक है, इस तरह से मैंने सभी में ऐसे शो कर दिया है। अब जो ये पैनल है, इसमें पैनल में आपको कुछ इस तरह से शो कर देना है ताकि ये पैनल है, ठीक है, ये कुछ इसी तरह से दिखेगा जब आप इसको साइड से देखेंगे तो, ठीक है। ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये हॉर्न हो चुका है गेट का। हॉर्न के गेट के ऊपर क्या होता है, हमारी ब्रिक होती है, ब्रिक मैसोनरी होती है। तो इसमें यहाँ पर भी हम ब्रिक मैसोनरी शो कर देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, 5 mm लेफ्ट और 5 mm राइट बाहर निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद लगभग 1-1 cm की दूरी पर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको जिगजैग कटिंग में काट देते हैं ऐसे, ठीक है। और इसमें ब्रिक वॉल का सिंबल शो कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये सेक्शनल साइड व्यू बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम बनाते हैं इसका प्लान, यानी कि इस गेट को हम मान लीजिए, अब हम इस गेट को यहाँ कुछ यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे तो ये ऊपर से किस तरह से दिखेगा, ठीक है, इसको देखते हैं। ये हम यहाँ से ऐसे देख रहे हैं और यहाँ से हम कुछ इस तरह, ठीक है। चलिए अब हम इसका गेट का बनाते हैं प्लान, पैनल डोर का, ठीक है। अब पैनल डोर बनाने के लिए भी आपको इसका प्रोजेक्शन ऊपर की ओर ले जाना है। जो ये हॉर्न था इसका भी आपको प्रोजेक्शन ऐसे ऊपर की ओर ले जाना है और इस वाले का भी ऐसे ऊपर की ओर ले जाना है, ठीक है। और यहाँ से कुछ इस प्रकार एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसकी जो थिकनेस होगी वो 1 cm ही होगी, क्योंकि हमने पोस्ट लगाया था 8 × 10 cm, 10 cm को स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 cm आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसकी जो थिकनेस लेनी है वो 1 cm ही आ जाएगी। अब चूँकि हमने स्केल 1/10 की मानी की है ना, तो इसीलिए जो ठीक है इस तरह आप इसको इरेजर कर दीजिए। अब देखिए अब हम इसमें करते हैं रिबैक शो। रिबैक का जो साइज है 4 cm, स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 cm रिबैक, जो कि ये हमारी डॉटेड, तो इसका प्रोजेक्शन ऐसे स्केल की सहायता से ऊपर ले जाना है और ऊपर से नीचे की ओर 4 mm ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी, ठीक है 4 mm, और इन दोनों को आपस में मिला देना है। हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया। इसके बाद आता है पोस्ट। पोस्ट पोस्ट का स्केल की मदद से प्रोजेक्शन ऊपर ले गए और इसको ऐसे यहाँ यूँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको भी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और जो ये लाइन है इसको भी हम ऊपर की ओर ले गए यूँ ऐसे, और ये वाली, ठीक है। हमने क्या किया, जो ये लाइन थी इसका प्रोजेक्शन यहाँ शो कर दिया और जो ये लाइन थी इसका भी प्रोजेक्शन यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है। और जो ये सेंटर वाली लाइन है इनका भी प्रोजेक्शन एक यहाँ जाएगा, सेंटर वाली लाइन का इसका प्रोजेक्शन यहाँ और इसका प्रोजेक्शन यहाँ, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक ये भी तो प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा, इसको भी प्रोजेक्शन को ऊपर ले जाइए ऐसे, और इस प्रोजेक्शन को भी ऐसे ऊपर ले जाइए, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसमें आपको क्या करना है, देखिए जो कि ये हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का ये वुडन का है, तो इसमें वुडन का सिंबल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी वुडन का सिंबल ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक ये लकड़ी का है, ये भी वुडन का सिंबल, इसमें भी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये लकड़ी के हैं, इसमें भी वुडन का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक है पैनल। अब पैनल के लिए भी आपको कुछ ऐसे ही शो कर देना है, क्योंकि ये पैनल डोर ऐसे ही दिखते हैं, दिखेंगे ऊपर से भी, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए अब हम साइड में जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें
जो ये दरवाजा है, इस दरवाजे के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हमें ब्रिक मैसोनरी, सो यानी कि ब्रिक मैसोनरी हमको दिखेगी। तो उसकी ड्राइंग बनाते हैं कैसे, देखिए। इसके लिए आपको जो ये वाली लाइन है इसको 5 mm बाहर और 5 mm ऊपर, यानी कि 5 mm ऊपर 5 mm नीचे, इसी प्रकार ये वाली, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने ऊपर 5 mm नीचे 5 mm इधर ही यहाँ पर, ठीक है, बढ़ा लिए और इसमें ब्रिक मैसोनरी का ऐसे सिंबल शो कर दिया है, ठीक है। अब ये जो कि फुल्ली पैनल डोर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, इसके हमने एलिवेशन बता दिया है, सेक्शनल साइड व्यू बता दिया है और प्लान भी बता दिया है, ठीक है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इससे अगली वीडियो में हम आपको पैनल डोर और ग्लास डोर दोनों बताएंगे, यानी कि एक ही डोर में जिसमें कि पैनल भी लगे होंगे और एक ही उसी डोर में हमारे ग्लास भी लगे होंगे, इसकी ड्राइंग किस तरह से बनेगी वह ड्राइंग बताएंगे हम आपको, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।